महिलाओं के लिए विज्ञान, स्वास्थ्य एवं पोषण। अब आप सुनेंगे हमारा विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्थित है और इसे कुमाऊँवाणी सामुदायिक रेडियो द्वारा तैयार किया गया। देश में करोड़ों स्त्री पुरुषों की रोजाना की खुराक एक परिवार से दूसरे परिवार और एक देश के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अलग अलग होती है। असल में खुराक किसी भी क्षेत्र में उपलब्ध खाद्य पदार्थों, व्यक्तियों या फिर परिवार की पसंद या नापसंद पर निर्भर करती है और इससे भी ज़्यादा निर्भर करती है पदार्थ को खरीदने के लिए उपलब्ध धन पर। रोजाना के खुराक में खाद्य पदार्थों का चयन कुछ अन्य बातों पर भी निर्भर करता है। ग्रामीण लोगों के बजाय आपने देखा होगा शहरी लोगों का जो भोजन है, जो भोजन करने की आदतें हैं वो कुछ अलग हैं। आदतें चाहे जो भी हो, आप चाहे शहर में रहें या फिर गांव में रहें, लेकिन खाद्य पदार्थों को चुनते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। इन खाद्य पदार्थों को 5 चरणों में विभाजित किया जाता है। तो आइए जानते हैं 5 चरण आखिर कौन कौन से हैं जिन्हें हम अपने भोजन में इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले चरण में आते हैं हमारे अनाज, क्योंकि ये हमारे रोजाना की खुराक के मुख्य भाग हैं। देश भर के विभिन्न भागों में लोग अनाज उगाते हैं और हर जगह अलग अलग फसल पैदा की जाती है, लेकिन चावल और गेहूं ऐसी फसलें हैं जो हर देश, हर गांव, हर क्षेत्र का व्यक्ति अपने जीवन में इस्तेमाल करता है। जो ये मोटा अनाज होता है इसको खाना बहुत ही फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें रेशा पाया जाता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होता है। मोटे अनाज को भोजन के रूप में लेने से हमें और क्या क्या स्वास्थ्य लाभ होते हैं इसके बारे में डॉक्टर क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। जी, मोटे अनाज हमारे आम भोजन का एक अंतरंग हिस्सा है, गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का आदि, और इनको लेने से हमें प्रोटीन, एसेंशियल कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, इन सब की प्राप्ति होती है। इनको हमें अपने भोजन का एक कहना चाहिए कि आवश्यक हिस्सा है, इसके बिना भोजन पूरा हो ही नहीं सकता। चावल, गेहूं, जौ, मक्का, मड़ुआ, बाजरा, ये सब हमारे मोटे अनाज की श्रेणी में आते हैं। अनाज हमारे रोजाना की खुराक का एक मुख्य आधार है और उन्हें ही ऊर्जा के मुख्य स्रोत के रूप में खाया जाना चाहिए। याद रखिए, परंपरागत खाद्य पदार्थ है, यानी कि जो पीढ़ियों से आजमाए जा रहे हैं, जो पीढ़ियों से चलते आ रहे हैं, वो हमेशा बेहतर होते हैं। इसलिए तो इन्हें 5 चरणों में सबसे ऊपर रखा जाता है, क्योंकि मोटे अनाज हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक होते हैं। अब दूसरे स्थान पर आते हैं फल और सब्जी। विभिन्न इलाकों में और अलग अलग मौसम में अलग अलग सब्जियां मिलती हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां, चाहे किसी भी किस्म की हो, बहुत पौष्टिक होती हैं। उनमें सभी तरह के पोषक तत्व होते हैं। इनमें विटामिन, खनिज और रेशा बहुत ज़्यादा पाया जाता है और इन्हें सुबह, दोपहर, रात किसी भी समय हम अपने भोजन में इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर तीनों समय में अपने भोजन में इस्तेमाल करते हैं तो और भी फायदेमंद होता है। सब्जियों के साथ साथ फल भी हमारे लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। अपने दैनिक आहार में हमें फलों को भी शामिल करना चाहिए। आइए जानते हैं डॉक्टर से, हम अगर प्रतिदिन फल और सब्जियों को अपने आहार में लेते हैं तो हमें क्या कुछ फायदा होता है। कुछ ऐसे पौष्टिक तत्व होते हैं जो केवल फल और सब्जियों में ही मिल सकते हैं। खासतौर से विशेषकर शाकाहारी व्यक्तियों के लिए तो ये और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। फल और सब्जियां हमारे प्रत्येक दिन के आहार में होना अति आवश्यक है। इनकी कमी होने से हमें बहुत सारे विटामिन्स, पोषक तत्व, मिनरल्स
इत्यादि की कमी ऐसी होती है कि बाद में वो अलग अलग प्रकार की बीमारियां और तकलीफों के जन्मदाता हो जाती हैं। जी सर, स्वास्थ्य लाभ क्या हैं फल सब्जियों को अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करने से? देखिए, इनसे हमें एसेंशियल मिनरल्स, विटामिन्स, ये दोनों चीज़ों की प्राप्ति होती है। फाइबर्स हरी सब्जियों के जरिए आते हैं और इन चीज़ों की कमी से हमारे शरीर के जो दैनिक कार्य करने की क्षमता है वो प्रभावित होती है। हमारे अगर कोई व्यक्ति कई महीने तक फल और सब्जियां नहीं लेता है तो उसको शरीर में इन विटामिन और पोषक तत्वों की कमी से होने वाली बीमारियां उत्पन्न होना लाजमी है। फल और सब्जी को रोज अपने भोजन में अगर हम शामिल करते हैं तो हम उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग जैसी बीमारियों से बचे रह सकते हैं। इसीलिए हर रोज दूसरे चरण में आने वाले गोभी, मटर, पालक, मेथी, गाजर, नारंगी, नींबू, इन सभी फल और सब्जियों को स्वस्थ रहने के लिए जरूर अपनाएं। अगर आप में आदत है आप फल बहुत कम इस्तेमाल करते हैं तो अब शुरू कर दीजिए, क्योंकि फल खाने से हमें बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं। और अब आता है हमारा तीसरा चरण। अब तीसरे स्थान पर रखा जाता है दालें, सूखे मेवे, दूध, मछली और मुर्गा, यानी शाकाहारी और पशुओं से प्राप्त होने वाले भोजन को। दाल में हम राजमा, उड़द, गहत सभी दालों को शामिल करते हैं और सूखे मेवे में काजू, बादाम, किशमिश इन्हें। शाकाहारी और मांसाहारी भोजन को लेने से शरीर में वृद्धि होती है क्योंकि इनमें प्रोटीन की अधिकता होती है जो हमारे शरीर की वृद्धि में सहायक होते हैं। तीसरे चरण के खाद्य पदार्थों को लेने से क्या कुछ फायदे होते हैं डॉक्टर साहब के अनुसार, आइए जानते हैं। देखिए, दाल हमारे डाइट का, हमारे भोजन का सबसे बड़ा सोर्स है प्रोटीन के लिए जी। और प्रोटीन हमारे शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक, जैसे कि मकान बनाते वक्त ईंटों की ज़रूरत होती है, वैसे हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं में प्रोटीन की आवश्यकता होती है, प्रत्येक हार्मोन के निर्माण में प्रोटीन की आवश्यकता होती है, हमारे शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमताएँ हैं वो प्रोटीन के ऊपर निर्भर रहती हैं। इनकी कमी रहते, जो कि हमें दाल से प्राप्त होती है प्रोटीन, अंडे से प्राप्त होती है, निरामिष भोजन से यानी मांस से, मीट से, उसमें हमें प्रोटीन की प्राप्ति होती है। सोयाबीन बहुत अच्छा एक इसका सोर्स है, लेकिन इसकी कमी रह के हम ज़्यादा समय तक स्वस्थ नहीं रह सकते जी। सर, सूखे मेवे में कौन कौन से खाद्य फल आते हैं? देखिए, इसमें काजू, बादाम, अखरोट, चिलगोज़ा, यहाँ तक कि मूँगफली, ये सब नट्स की श्रेणी में आते हैं। लेकिन यह एक मिथक है कि सब लोग कि ये हमें खाना ही चाहिए और इसके खाए बिना हमें कमजोरी आएगी। व्यक्ति इनमें प्राप्त होने वाले एसेंशियल ऑयल्स, फैटी एसिड्स और पोषक तत्व जितने हैं वो और भी रास्ते से प्राप्त हो सकते हैं। हाँ, जहाँ संभव हो पाए वो सूखे मेवों का सेवन करना चाहिए। ये तो फायदे थे हमारे तीसरे चरण के आहार को लेने से। अब जानते हैं चौथे चरण में कौन कौन से खाद्य पदार्थ आते हैं। आपको क्या लगता है कौन कौन से खाद्य पदार्थ आते होंगे? अच्छा, चलिए अंदाजा ही लगा दीजिए। बिल्कुल सही सोचा, अंडा। पर इसके साथ साथ आता है गोश्त भी। चौथा चरण है हमारे, चौथे चरण में अंडा और मांसाहारियों के लिए बकरे, भेड़, काकड़, इनका गोश्त। आइए जानते हैं अंडा और गोश्त लेने से हमारे स्वास्थ्य में आखिर क्या कुछ फायदा होता है। जी, अंडा और गोश्त हमारे शरीर के लिए सबसे पहले प्रोटीन के लिए आवश्यक है। लेकिन खाली यह कहना कि केवल अंडे और गोश्त में ही प्रोटीन मिल पाएगा, ये भी गलत है जी। कई व्यक्ति, कई लोग शाकाहारी होते हैं जो कि अंडा और गोश्त का सेवन नहीं करते, उनके लिए एक एनिमल प्रोटीन का सोर्स दूध है जी। अंडा और गोश्त हमारे शरीर के लिए फायदेमंद तो होते हैं, लेकिन अंडा और गोश्त का उपयोग सीमित मात्रा में करना उचित होता है और बच्चों और किशोरों के लिए इसका आहार सबसे ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है। पर वहीं उम्र के बढ़ते अगर हम इनका इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। यानी कि अंडा और गोश्त लेना है लेकिन
किशोरावस्था में और युवावस्था में ज़्यादा और वृद्धावस्था में इसकी मात्रा को थोड़ा सा कम कर देना है, तभी ये हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होगा। तो अब है हमारा पांचवा चरण। सबसे अंतिम और आखिरी चरण, इस स्थान पर तेल, घी और मक्खन यानी कि शरीर को जो खाद्य पदार्थ ऊर्जा देते हैं उन्हें शामिल किया गया है। शरीर को ऊर्जा देने वाले वसी भोजन मुख्य रूप से होते हैं और इसके साथ ही नमक, गुड़, इन्हें भी पांचवें चरण में हम शामिल करते हैं। पांचवें चरण के इन भोज्य पदार्थों से हमारे शरीर को कितना कुछ लाभ होता है, आइए जानते हैं डॉक्टर से। देखिए, वसीय भोजन अलग हो गया और नमक और गुड़ अलग कैटेगरी में आएंगे। वसीय भोजन हमारे संतुलित भोजन का 15-20% जो कहा जाता है कि फैट से मिलना चाहिए उसका सोर्स रहता है, चाहे वो घी से हो, चाहे मक्खन से हो, चाहे वो हम लोग अन्य प्रकार के ऑयल जैसे कि सरसों का तेल आदि का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन नमक के बारे में एक बहुत कॉशन के साथ कह देना चाहिए कि वो खाना चाहिए, ठीक है, लेकिन अधिक सेवन करना नमक का स्वास्थ्य के लिए घातक ही पाया गया है। जी, गुड़ के बारे में ये कहा जा सकता है कि वह एक बहुत अच्छा सोर्स है हमारे आयरन के लिए, तो खासतौर से महिलाओं के लिए गुड़ लेने से एक आयरन का सप्लीमेंट होता है। और गुड़ अपने आप में एक मीठा करने के लिए है, इसलिए उसको ये मान लें कि कार्बोहाइड्रेट का सोर्स ही है। सामान्यतः पांचवें चरण में आने वाले भोज्य पदार्थ आवश्यक हैं, लेकिन बढ़ती उम्र में इन्हें भोजन में कम ही इस्तेमाल करना फायदेमंद होता है। अगर हम बढ़ती उम्र में इनका कम प्रयोग करेंगे तभी हम स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि जब हमारे भोजन में वसा की मात्रा बढ़ जाती है तो हमें हृदय घात से जुड़ी हुई समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, हमारा वजन बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। तो हमें वसीय चीज़ों को इस्तेमाल तो करना है लेकिन सीमित मात्रा में। तो ये थे हमारे पांच चरण जिन्हें हम अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल में ला सकते हैं। आप इन खाद्य पदार्थों को उचित मात्रा में अपने आहार में शामिल कीजिए और स्वस्थ जीवन का शुभारंभ कीजिए। इसी के साथ आपसे लेती हूँ इजाज़त। नमस्कार।